नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां बीएड कॉलेज के पास से जिला पुलिस टीम ने 7 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया है। जिला पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आरक्षी अधीक्षक समस्तीपुर को ये गुप्त सूचना मिली थी कि बीएड कॉलेज के पास कुछ आपराधिक तत्व के लोगों को इकट्ठा होते देखा गया है, जो शायद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही आरक्षी अधीक्षक समस्तीपुर ने सदर जीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मुफस्सिल थाना के सहयोग से बीएड कॉलेज के पास छापामारी कर 7 अपराधियों को दबोच लिया, लेकिन 3 अपराधी किसी तरह से भाग निकलने में सफल रहा। गिरफ्त में आए अपराधियों के पास से पुलिस ने 20 कारतूस, 4 देशी कट्टा, 1 पिस्टल, 1 बाइक, पेट्रोल पंप कर्मी से लुटा गया बैग, 9 मोबाइल फोन आदि बरामद किया है। पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए एसपी विकास वर्मन ने बताया कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में भारत फाइनेंस कर्मी से लुटे गए 3,02,000 रुपए की घटना में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं 16 जून की रात पुलिस लाइन के नजदीक पेट्रोल पंप से 3,00,000 रुपए की लूट की गई थी, उस घटना में भी ये सभी शामिल थे। पिछले दिनों मुफस्सिल थाना के मोहनपुर में डीपीएस स्कूल में घुसकर बच्चे के ऊपर गोलीबारी कर हत्या करने वाले 2 शूटर भी इनमें शामिल है। आरक्षी अधीक्षक समस्तीपुर ने बताया कि इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी से कुल 3 कांडों का उद्भेदन कर लिया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी इससे पहले भी जेल जा चुका है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। आगे पीछे करके ठीक रहेगा। इधर भी ये हटा दिए। हाँ, उसको ई डिब्बा सीधा कीजिए। झुक गया है ना। दादा एक मिनट, हटा दो। सूचना मिली दिनांक 6/9/19 को कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध हालत में कल शाम में मुफस्सिल थाना अंतर्गत आपको बीएड और कॉलेज के आसपास में कुछ लोग देखे गए हैं। वहाँ पे पूर्व में भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इसको लेकर तुरंत एसडीपीओ सदर को सूचना दी गई। उसके बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर भरत यादव, सब इंस्पेक्टर शाहनवाज आलम एवं अन्य पदाधिकारियों डीआईयू की टीम बना के उस क्षेत्र में भेजा गया। उस क्षेत्र में भेजा गया तो वहाँ पे कुछ लोग जमा थे, उनमें से कुछ लोगों को खदेड़ के पकड़ा गया, कुछ भागने में सफल रहे। जो पकड़े गए लोग हैं उसमें आपको एक रीतलाल मलिक है, एक सूरज झा है, एक रवि रंजन है, एक सुजीत कुमार है, एक आपको विक्की है, एक वीरेंद्र है और एक प्रेम कुमार चौधरी है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले दिनों एक पेट्रोल पंप पे जो आपको मुफस्सिल थाना अंतर्गत है वहाँ पे लूट की एक घटना हुई थी। उस लूट की घटना में जो अपराधी शामिल थे वो भी उस कल पकड़ाए व्यक्तियों में शामिल हैं। उनके निशानदेही पे जो बैग इस्तेमाल कर रहे थे पेट्रोल पंप के मालिक, उनसे जब बैग सामान छीना, उनसे पैसा छीना गया, वो बैग भी नदी किनारे से उनसे पूछताछ पे बरामद किया गया है। उसके अलावा एक आपको मोहनपुर क्षेत्र में एक आपको याद होगा कि एक ड्राइवर की हत्या की गई थी जो सुबह सुबह स्कूल किसी बच्चे को छोड़ने गया, उसमें भी जो शूटर है 2 शूटर उसमें से पकड़ाए हैं। उसने भी अपनी स्वीकारोक्ति उसने स्वीकार किया है। उसको पैसे पे उसको बुलाया गया था। अन्य जो लोग हैं उनका नाम हम लोग सही समय पर आपको बता देंगे, जो भागे हुए सदस्य हैं जिनके इशारे पे गोली चलाया गया था, वो पकड़ाएंगे तो आपको एविडेंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो अपराधी कल पकड़ाए हैं वो एक बेनीपट्टी में 3,00,000 की लूट हुई थी कुछ दिन पहले, वहाँ पे भी उन लोग ये लोग की संलिप्तता है। ये लोग काशीपुर और आसपास के क्षेत्र में ये लोग
लॉज में किराएदार बन के रहते थे और उसके बाद लूट की घटना का प्लानिंग करते थे। उसमें से जो एक अपराधी रीतलाल मलिक है, जो शूटर है, जो अभी मोहनपुर में जो भी ड्राइवर की हत्या हुई थी गोली मारी है, जो किसी एक व्यक्ति का ड्राइवर है और काफ़ी जमीन विवाद से भी वो मामला जुड़ा, उसकी मौत हो गई थी बाद में। हाँ, उसकी मौत हो गई। तो उसमें भी उसने अपने अपना बयान लिखा, उसने अपना स्वीकार किया है कि हाँ उसको पैसे देकर उसको बुलाया गया था। पहले भी ये तीन केस में वो जेल जा चुका है मर्डर केस में, और ये उसने चौथा पैसे पे उसने हत्या किया है। इसके अलावा ये पेट्रोल पंप लूट कांड में भी ये शामिल था, बेनीपट्टी में भी लूट कांड में शामिल था। इसका घर को लोग जितने क्रिमिनल थे वो लोग वहाँ पे प्लानिंग का इस्तेमाल करते थे, उसके घर को जो काशीपुर में लॉज में रहता था। इन लोग के पास से देसी पिस्टल 1, देसी कट्टा 4, गोली 20, 1 बाइक, 9 मोबाइल और पेट्रोल पंप जो मालिक थे उनसे लूटा हुआ बैग उनके निशानदेही पे नदी किनारे से बरामद किया गया। इस तरह से तीन घटना का समस्तीपुर पुलिस के द्वारा सफल उद्भेदन किया गया है, जो काफ़ी संवेदनशील बने हुए थे। जितने भी टीम में शामिल पुलिसकर्मी हैं सभी को जिला पुलिस के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कुल कितने अपराधी पकड़े हैं? कुल 7 अपराधी पकड़ाए हैं जिनसे अभी पूछताछ जारी है। ये सारे पेशेवर अपराधी हैं जो लूटपाट और पैसे लेके हत्या करने का काम करते हैं। इसका सरगना अभी पकड़ में नहीं आया? उसका सरगना एक दो आदमी है, जो एक रिम्मी करके है और एक चांद है। ये लोग का भी पुराना इतिहास है। ये लोग ऐसे जो क्रिमिनल थे जो पैसे के लिए काम करते हैं उनको चिन्हित करते थे और उनको पैसे के लोभ में इस तरह का काम करवाते थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी। तो चालक की जो हत्या हुई वो धोखे में हुई थी या चालक की हत्या करने गए थे? देखिए, ये अभी अनुसंधान में आगे आएगा तो आपको स्पष्ट रूप से हम बाद लूट की घटना का प्लानिंग करते थे। उसमें से जो एक अपराधी रीतलाल मलिक है, जो शूटर है, जो अभी मोहनपुर में जो भी एक ड्राइवर की हत्या हुई थी गोली मारी गई थी, जो किसी एक व्यक्ति का ड्राइवर है और काफ़ी जमीन विवाद से भी वो मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हाँ, उसकी मौत हो गई थी। तो उसमें भी उसने अपने अपना बयान स्वीकार उसने अपना स्वीकार किया है कि हाँ उसको पैसे देकर उसको बुलाया गया था। पहले भी ये तीन केस में वो जेल जा चुका है मर्डर केस में, और ये उसने चौथा पैसे पे उसने ये हत्या किया है। इसके अलावा ये पेट्रोल पंप लूट कांड में भी ये शामिल था, बेनीपट्टी में भी लूट कांड में शामिल था। इसका घर को लोग जितने क्रिमिनल थे वो लोग वहाँ पे प्लानिंग का इस्तेमाल करते थे, उसके घर को जो काशीपुर में लॉज में रहता था। इन लोग के पास से देसी पिस्टल 1, देसी कट्टा 4, गोली 20, 1 बाइक, 9 मोबाइल और पेट्रोल पंप जो मालिक थे उनसे लूटा हुआ बैग उनके निशानदेही पे नदी किनारे से बरामद किया गया है। इस तरह से तीन घटना का समस्तीपुर पुलिस के द्वारा सफल उद्भेदन किया गया है, जो काफ़ी संवेदनशील बने हुए थे। जितने भी टीम में शामिल पुलिसकर्मी हैं सभी को जिला पुलिस के द्वारा पुरस्कृत किया गया।